अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मंडी न्यूज़। अशरफ ट्रेडर्स और मास्टर लाइन की जानिब से बेकर्स मीट हिमालय रेस्टोरेंट महबूब नगर पर मुनक़द किया गया, जिसमें शहर के तमाम बेकर्स के ओनर्स ने शिरकत की। मास्टर लाइन मुल्क में 200 साल से बेकरी फैट्स के में पहले मुकाम पर है। मास्टर लाइन की तमाम प्रोडक्ट्स अशरफ ट्रेडर्स नज़द मदीना मस्जिद पर दस्तियाब हैं। इस मौके पर कॉस्मिक बेकर्स कराची, मॉडर्न और दीगर बेकर्स में ओनर्स मौजूद थे। आज हम लोगों ने टोटल बेकरी वाले को इनवाइट किया बेकर्स मीट के नाम से। मास्टर लाइन बेकर्स मीट हम लोगों ने यहाँ किया। करीब करीब 40 से 50 बेकरी वाले जो मैन्युफैक्चरर है वो आए। सबको बंगे मास्टर लाइन की प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी क्या है प्रोडक्ट एक्चुअली, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं उसके बारे में हमारे टेक्निकल सपोर्ट ने सब कुछ टेक्निकली बताया, सबको लाइव बना के भी दिखाए और सबको प्रॉपरली प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ किए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हमारा प्रोडक्ट क्या है, मास्टर लाइन क्या है, लिली क्या है, पूरी एक एक चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने किया। और हमारे यहाँ पर लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसके पास पूरी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबिलिटी है, अशरफ हमारा अशरफ ट्रेडर्स जो आगे सप्लाई के लिए प्रोडक्ट के लिए हर चीज़ उससे फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है। हम लोग बेकरी लाइन का बिज़नेस करीब 40 ईयर्स से हम लोग ही कर रहे हैं। हम लोग इस बिज़नेस में हैं तो सबसे हम कई कंपनी का प्रोडक्ट बेचते, बट जो रिलायबिलिटी है, जो भरोसा हमारे को है प्रोडक्ट पे, जिसके प्रोडक्ट को हम बेच के भरोसे से रह सकते, वो है मास्टर लाइन बंगी कंपनी का प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है अब तक टिल नाउ इन बेकरी बिज़नेस। तो हम मार्जरीन्स भी है इनके प्रोडक्ट में, फैट्स भी है, और जितने भी महबूब नगर में बेकरीज है तकरीबन सब बेकरीज में, सब शोरूम्स में मास्टर लाइन का प्रोडक्ट यूज़ होता। और जितने भी लोग महबूब नगर में बेकरी प्रोडक्ट खा रहे हैं सब सेफ़ है, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये कि हम जब खाएंगे तो अंदर जाने के बाद वो अपने को हज़म भी जल्दी हो जाता है, जिससे अपनी हेल्थ भी ठीक रहती। तो हम लोग मास्टर लाइन का प्रोडक्ट के ऊपर हम भरोसा करते हैं, और ये कंटिन्यू ये अवेयरनेस यही प्रोग्राम था कि हम इसमें क्वालिटी में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते, तो ये हम ये आज सब बेकर्स को बुला के ये बात करें। और चाचा एक पहला कंपनी है जो पहली कंपनी है जो 200 साल से इस बिज़नेस में है। हम 200 साल क्रॉस कर चुके हैं और 200 साल से हम क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए हैं, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाते आ रहे हैं डे बाय डे, एज़ पर बेकर्स को जो नीड है उसको देखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को भी चेंजेस करते हैं और हमेशा ऐसा करते रहेंगे। थैंक यू। अमीन ट्रेडर्स है महबूब नगर में। हमारे पास पूरे बेकरी के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, ऑल प्रीमिक्स पाउडर्स, चॉकलेट्स, होममेड आइटम भी मिलते हैं, पूरे जो है ना कॉन्फेक्शनरी के डेकोरेट आइटम्स, प्रीमिक्स पाउडर्स, चॉकलेट, फियोना क्रीम, पूरे आइटम्स मिलते हैं हमारे पास। आइए फियोना के क्रीम, प्रीमिक्स पाउडर, केक जेल्स, ग्लेज जेल्स, सारे बेकरी के लिए क्या क्या केक्स बनने के लिए क्या क्या लगते हैं, क्या क्या कितनी क्वांटिटी लगती है, सारी चीज़ हमारे पास मिलते हैं। और आपके हर बेकरी वाले से ये भी कहते हैं कि आपको कोई चीज़ की मालूम नहीं है तो आइए हमारे पास, हम हमारे कंपनी को बोल कर आपको हम मास्टर्स प्रोवाइड करते हैं, एक दिन दो दिन आपके पास रह के सारे सिखा के जाते हैं। अब बाज़ार से क्या है, हर चीज़ सस्ता मिलती है, आपको कंपनी से लेने से उससे क्या कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। अभी जो बता रहे थे लोग, जो पाम ऑयल इस्तेमाल करने से जो वॉल्स जो ब्लॉक हो रहे हैं उसका, इसी जो लोकल जो बाहर मिलता है वो इस्तेमाल करने से होते हैं। बंगी का इस्तेमाल करने से क्या है, काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं और इसमें मज़ा भी बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी अच्छा निकलता है इसका। कभी आइए शॉप पे, आइए हम आपको हर चीज़ दिखा रहे हैं आपको। बेकिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो गया इसलिए मैं घट करता हूँ, जल्दी मेल्ट होते हैं। तो ऐसा कैसे दे सकते हैं, मैंने पहले बोल दिया गमिंग एजेंट है, मतलब स्टेबिलिटी है बात करना है। अब मार्केट में किधर भी जाओ महंगा कौन सा है, आप महंगा लेते हैं सस्ता लेते हैं, प्रॉफिट करने के लिए वही चीज को ज्यादा दिन कायम। ड्राइस्ट है
कच्चा ईस्ट रहते हैं ना, कच्चा ईस्ट में जो मॉइस्चर है वो निकाल के सिर्फ 99% से एक्टिव रहते हैं। कच्चा ईस्ट में क्या है, इसमें सिर्फ 60% एक्टिव रहती है, फैक्ट्री बन गई, इसीलिए हम लोग 200,000 टन तक हम लोग पहुँचा है। सेकेंड है ये प्रोडक्ट आपको जो भी इसके अंदर टेस्ट अच्छा रहेगा, जल्दी मेल्ट होगा। सो नारियल तेल कैसे वो टेम्परेचर होने के बाद कट होते हैं और गर्मी में रखो पिघल जाते हैं, ऐसे भी है, ये दोनों भी होगा। सो नारियल तेल को इनको दोनों भी सामने रखेगा तो कौन सा नारियल कौन से मालूम नहीं पड़ते, ये भी एडल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ये भी इसको घी के लिए भी यूज करते हैं। अब दिवाली आया ना, दिवाली से ज्यादा से ज्यादा वो तेल का पाव क्यों ज्यादा होगा, ये तेल का डिमांड ज्यादा होगा, वो सिर्फ उसको सीजन में होते। अब सेकेंड है इम्पोर्ट करके लेके आना है, इम्पोर्ट मतलब कहाँ से आते हैं पाम ऑयल, ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल कहाँ से आते हैं, इंडिया में आते हैं, किधर से आते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ज्यादा से ज्यादा वहां पर ही पाम फ्रूट ज्यादा है, वहां से आते हैं। वहां से क्या करते हैं, शिप में आने के टाइम पर बॉटल में आपको ऐसे सेट होते हैं, ऐसे में शिप में सेट हो जाते हैं, जो भी आपको वनस्पति भेजने वाला पूरा ऑयल भेजने वाला, अभी जो भी ब्रांड बता रहे पूरा ऑयल कंपनी का तेल भेजने वाला है, ये बेकरी का अंदर आके वनस्पति। और जो आगे आप इंग्रेडिएंट्स आने वाले हैं, जैसा फियोना क्रीम है और डिजायर, अब ये सब प्रोडक्ट जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब प्रोडक्ट आपको अमीन ट्रेडर्स में अवेलेबल रहेंगे आपको कभी भी। और जो स्कीम है ये सब फैट्स मर्जरीन, और इस पे ये स्कीम, अगर आप 10 बॉक्स फैट या मर्जरीन कुछ भी लेंगे तो 1 किलो रिका जेल उसके साथ आपको फ्री रहेगा, ये आज से 38 तक है ये। फिर 20 बॉक्स के साथ एक डिजाइन प्रीमिक्स 5 किलो का बैग मिल जाएगा उसके साथ, या फिर ग्लेज जेल 2.5, इसमें एक न्यूट्रल है और एक चॉकलेट है, दो ग्लेजेस है अवेलेबल 2.5 किलो। और इसमें मास्टर लाइन बंगी में आप अपने को बेकरी लाइन से हर चीज उसमें अवेलेबल हो गई अपने को, हर एक चीज सब ए टू जेड फैट्स है अपने पास, मार्जरीन है अपने पास, ग्लेजियस है, डार्क कंपाउंड, व्हाइट कंपाउंड और प्रीमिक्सेस है अपने पास, एंजल ईस्ट है, यहाँ पे हर कोई एंजल ईस्ट यूज कर रहे हैं, बट जो कमर्शियल बेकरी लाइन में अभी भी कच्चा ईस्ट यूज हो रहा है अभी भी, तो वो यूज ज्यादा होता, उसका यूसेज ज्यादा है, तो आप उसके बदले हम एंजल ईस्ट यूज कर सकते हैं, एंजल ईस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप समझिए कोई भी एक 300 ग्राम अगर उसका यूज कर रहा है यूनिट, तो ये 100 यूनिट में ये काम हो जाता है उसके बदले, इसके बारे में डिटेल आपको बोल।